प्रिय विद्यार्थियों, RCIH हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रकाश धारा पर विभव के प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का अध्ययन करने के लिए हम प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखते हैं। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को नियत रखकर प्रकाश धारा और विभवांतर के मध्य हम जब ग्राफ बनाते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं, तो हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब कैथोड और एनोड के मध्य जब विभवांतर का मान शून्य होता है, तब भी प्रकाश धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के स्वयं की गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए उस ऊर्जा की वजह से धारा प्रवाहित होती है। तो आप ग्राफ आप देख पा रहे हैं, हमने प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को नियत रख दिया है, और ये ग्राफ है प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य। ग्राफ स्पष्ट है कि जब हम प्रारंभ में विभवांतर के मान में वृद्धि करते हैं, तो धारा के मान में भी वृद्धि हो जाती है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है, उस अवस्था पर धारा का जो मान नियत हो जाता है। जी हाँ, इस अवस्था पे धारा का मान नियत हो जाता है। अब ये वो अवस्था है, आप यहाँ पे चाहे विभवांतर के मान में कितनी वृद्धि क्यों ना कर ले, लेकिन इस अवस्था पर धारा का मान नियत हो जाता है। और इस अवस्था पे इस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं, इसका नाम होता है संतृप्त धारा कहते हैं इसको। यानी वह विशेष अवस्था जब प्रकाश धारा का मान नियत हो जाता है, यानी जब हम विभवांतर के मान में वृद्धि करते हैं, तब भी धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, धारा का मान नियत हो जाता है, उस अवस्था में उस धारा को हम संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं या उसे संतृप्त धारा कहते हैं। तो ये हमारी संतृप्त धारा है। आगे हम इसमें बात करें, इसमें एक पॉइंट आता है निरोधी विभव। जी हाँ, निरोधी विभव या उसको अंतक विभव भी कहते हैं, उसका नाम होता है अंतक विभव। देखो वो क्या होता है, देखो आप देख पा रहे हैं ये जीरो है, इधर प्लस इधर माइनस, यहां विभव का मान माइनस में हो जाता है इधर, तो ये क्या होता है निरोधी विभव या अंतक विभव। देखिए इसमें क्या होता है कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जहां प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, तो उसको हम निरोधी विभव या अंतक विभव के नाम से जानते हैं, उसे अंतक विभव कहा जाता है। और अंतक विभव को वी नोट द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी परिभाषा है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है इसके बारे में। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमारा निरोधी विभव है, इसकी निर्भरता कि ये किस किस पॉइंट पर निर्भर करता है। अगर हम नंबर एक पर बात करें निर्भरता की, निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो निरोधी विभव होता है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का माप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और इस निरोधी विभव में एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध इस तरह से होता है, वो होता है 1/2 mp max² बराबर होता है EV डॉट, यानी इधर आता है K मैक्स बराबर 1/2 mv² बराबर EV नॉट। ये एक संबंध होता है गतिज ऊर्जा में और निरोधी विभव के अंदर। ये जो संबंध है, ये संबंध ये दर्शाता है कि जो निरोधी विभव होता है, ये निरोधी विभव एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा के संबंध या उसका एक तरह से मापक होता है। तो ये हमने इसकी निर्भरता का अध्ययन किया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।